कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी एंड अबनॉर्मैलिटी, आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्मैलिटी क्या होता है, अबनॉर्मैलिटी क्या होता है। साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिहेवियर बीइंग अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि साइकोलॉजी कहते हैं बिहेवियर को स्टडी करती है, और बिहेवियर कैसे बनता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी की है। ठीक है, पर्सनैलिटी आपका क्या करता है, पर्सनैलिटी की वजह से आपका बिहेवियर निकल के आता है। दस द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कंप्रीहेंड्स बोथ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इसका मतलब है कि जो साइकोलॉजी है दोनों चीजों को कवर करेगी, पर्सनैलिटी को भी और बिहेवियर को भी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल बी पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन है तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है? ठीक है, नॉर्मल अगर वो होगा तो वो क्या करेगा, सोशियबिलिटी। अ सोशल इन्वायरमेंट इज वट मैन लिव्स इन, एंड एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन ट्रेडिशन, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड फॉर्म्स एंड फंक्शंस दैट प्रिवेल इन इट। हर सोसाइटी की क्या होती है, एक कानून होते हैं, आप कह सकते हैं एक उसका स्केड्यूल होता है, या जाब्ते होते हैं, कानून होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, रवायात होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो मुआशरा चल रहा होता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु कन्फॉर्म्स टू देम इन हिज कंडक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोसाइटी के तमाम नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी उस वक्त होगी जब वो सोसाइटी के नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन से वायलेट करता है, उनको वायलेट करेगा या उनसे हट के चलेगा, तो इट मीन्स कि वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है या एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर तो सोशियबिलिटी का मतलब है कि अगर वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सोसाइटी में नॉर्मली ग्रो कर रहा है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट मींस कि वो नॉर्मल है। बैलेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। बिसाइड्स सोशियबिलिटी, अनदर क्वालिटी ऑफ द नॉर्मल बींग इज हिज कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, विच मेक्स फॉर बैलेंस एंड स्ट्रेंथ दैट रिटेन्स अ बैलेंस आउटलुक। जिसकी वजह से क्या होता है, नीड्स को अगर वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि उसको एक स्ट्रेंथ देती है। एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड इज नॉट इंक्लाइंड टू बिकम डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एट द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, इलनेस, ट्रबल, एग्जॉशन, डेटरेंट एटसेट्रा। वो कहते हैं कि इस तरह का जो बंदा होगा ना, यानी कि जो नॉर्मली आगे बढ़ रहा है, चीजों को कॉप कर रहा है, उसको ये छोटी छोटी चीजें क्या है, प्रॉब्लम नहीं करती, वो इनको डील कर लेता है। ठीक है, इनसे निकल आता है, बट मेक्स कंसर्टेड एफर्ट्स टू सॉल्व देम। लेकिन इसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ती है। हिज रूटीन ऑफ लाइफ, अच्छा उसके बाद, हिज रूटीन ऑफ लाइफ इज रेगुलर सोर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिसेज आर बिजनेसेस, दे आर मोर इनक्लाइंड टू कम्बैट देयर डिफिकल्टीज। वो कहता है कि इसकी जो रूटीन लाइफ होती है वो ये है कि वो काम करता है, मतलब जो प्रॉपर तरीके से उसका जो एक हम आम तौर पर जिस स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं उसको फॉलो कर रहा होता है, उसके बाद दे आर मोर इनक्लाइंड टू कम्बैट देयर डिफिकल्टीज, टू कम टू सम रीजनेबल कंप्रोमाइज विद देम, एंड ऑल्सो एज ऑल्सो टू अवॉइड एक्सट्रीम्स इन द मोस्ट मैटर्स, दे अवेयर ऑफ देयर ओन क्वालिटीज एंड शॉर्ट कमिंग्स एंड ऑल्सो ऑफ देयर वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। वो कहते हैं कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपनी खूबियों को भी समझ रहे होते हैं, खामियों को भी समझ रहे होते हैं, इसके साथ साथ जो उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होती है उनको डील करना भी उनको आता है, और उनको डील कर लेते हैं वो। ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम में नहीं जाता जो नॉर्मल बंदे होते हैं। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है कि वो उसको छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई है, उसमें जाके वो क्या हो गया, पैनिक हो गया, उसको डील नहीं कर पाया, तो इट मीन्स कि वो अबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, अगर हम ऊपर भी हमने मेंटल हेल्थ की भी डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर आप अपने डे टू डे जो चीजें हैं या डे टू डे जो आपको एक्टिविटीज हैं, जो आपके सामने आपके जो स्केड्यूल होते हैं, अगर उसको सही तरीके से आप लेके चल रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज या ड्यूटीज को आप सही तरह से कर रहे हैं, कामों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल, अगर आप उनको नहीं कर पाते तो नहीं नॉर्मल। अच्छा, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड बैलेंस, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक नॉर्मल बंदे की। द नॉर्मल इंडिविजुअल मेक कॉन्शियस आर अनकॉन्शियस। अच्छा, ये वाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बोलेंगे सर ये तो इसकी कोई क्या बात है, एक लाइन में आप बता दो और आगे बढ़ो, या इसका टेस्ट के अंदर क्या है, ये बेसिकली मैं आपका वो एक ग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ आपके माइंड के अंदर, वो डीप अंडरस्टैंडिंग वाला, या आप कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट पे ग्रिप हो या टॉपिक पे ग्रिप हो। अगर आपको नॉर्मल शख्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा या इसके कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से अंदाजा होगा, तो फिर आपको एक तो ये होगा कि जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपके माइंड में या नॉलेज में बेहतरीन तरीके से ये चीजें बैठी होगी ना, तो आपको आंसर डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। ये बेसिकली ये वाली चीज मैं समझाना चाह रहा था कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, या आपको लगती हैं कि यार इसका तो इतना खास शायद टेस्ट में रोल भी ना हो, लेकिन ये होता है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, ताकि जब आप कोई आंसर डेवलप करने की कोशिश करें तो वो डेवलप करने में आपको आसानी हो और आप अच्छा आंसर डेवलप कर सकें अपने माइंड के अंदर।
अच्छा, ये नॉर्मेलिटी क्या है? एक तो ये कि आपको एबनॉर्मल लोगों को समझने में आसानी होगी, दूसरा किसी को ये समझाने में आसानी होती कि भाई नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मल बंदा होता क्या है, आंसर करने में आसानी होगी। अच्छा, हेल्थ सिक्योरिटी एंड बैलेंस, द नॉर्मल इंडिविजुअल मेक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट टू मेंटेन देयर सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल एज सिक्योरिटी। जो नॉर्मल बंदा होगा ना, वो ये सारी चीजों को मेंटेन कर पाता है। इन अ जनरल सॉर्ट ऑफ वे देयर बिहेवियर डज नॉट वायलेट द कैनन ऑफ मोरालिटी। वो कहता है कि जो नॉर्मल बंदा होता है ना, वो मोरालिटी से हटके काम नहीं करता, ठीक है, इमोरल नहीं होता, वो गैर इखलाकी चीजों की तरफ नहीं जाता, वो इखलाकियात को भूलता नहीं है जो नॉर्मल बंदा है। हाँ, अगर कोई इखलाकियत से हटके काम कर रहा है ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, यार कहीं ये नॉर्मल तो नहीं है, या इसको कोई मेंटल इशू तो नहीं है, ठीक है। समटाइम बहुत दफा ऐसा होता है कि वो बंदा नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी वो मोरालिटी को फॉलो नहीं कर रहा होता, इखलाकियत से हटके काम कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, वो एक अलग एंगल है उसका, ठीक है, वो एक अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर या नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, कि जब बंदा नॉर्मल होगा तो कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा तो कैसा होगा। दे आर यूजली अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर लाइफ एंड दे एक्सर्ट देमसेल्फ टू अचीव दीज। वो मतलब उसको पता होता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है और उनको वो अचीव करने के लिए क्या करता है, एफर्ट करता है, ठीक है। एक एबनॉर्मल बंदे को तो नहीं पता होगा ना मैंने लाइफ में क्या करना है। बेसिकली समझाना ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल बंदा होगा ना, उसको पता होगा कि मेरा गोल्स क्या है, मैंने आज शाम को क्या करना है, कल सुबह को क्या करना है, परसों क्या करना है। अच्छा, सक्सेस मेक्स देम मोर इंथुजियास्टिक बट फेलियर डज नॉट डेटर देम। वो कहते हैं कि ऐसे जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना, सक्सेस क्या करती है, उनको इंथ्यूजियास्टिक कर देती है, पुरजोश कर देती है, उनको मोटिवेट कर देती है, लेकिन अगर वो फेल भी हो जाते हैं ना, तो वो मायूस नहीं होते या वो गिव अप नहीं करते जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। देयर पास्ट एक्सपीरियंस आर लेसन फॉर देम, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो उनके लिए लेसन होते हैं, एंड देयर फ्यूचर एन अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट बाय देम, और फ्यूचर को वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। पीस, कंफर्ट, सिक्योरिटी इज व्हाट दे वांट इन लाइफ, ये वाली चीजें वो चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सच क्वालिटीज एज होप, बैलेंस, थॉटफुलनेस, वर्क एफर्ट, प्रैक्टिकलिटी एंड सेल्फ गाइडेंस आर पार्ट ऑफ देयर मेंटल मेकअप। ये सारी चीजें कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, ये सारी क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, जो बंदा क्या होता है, जो नॉर्मल होता है, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं। अच्छा, अब ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ये कि नॉर्मेलिटी का या नॉर्मल इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, दूसरा ये कि एक माइंडसेट आपके पास अब आ जाएगा, बन जाएगा आपका, कल को आपको कोई क्वेश्चन डेवलप करना पड़ता है या आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है अपने पेशेंट की, ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि मैंने बोला कि जो नॉर्मल बंदा होगा वो गोल सेट कर सकता है, उसके गोल बने होते हैं, उनको उसको पता होता है कि मैंने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उससे आगे क्या करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है। अगर एक बंदा आपने एक किसी फैक्टर से देखना है कि यार ये नॉर्मल वे में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, गोल्स इसके बने हुए या नहीं बने हुए, तो ये एक एंगल तो आपका क्लियर हो गया। बाकी चीजें आपने चेक करनी होती हैं कि ये नॉर्मल, ये जो गोल्स इसके नॉर्मल हैं या नहीं है, वो एक अलग चीज है, फिर उसको आप फर्दर कमाना लगा के चेक करते हो। आप यहां पर एक ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि एक जो क्रिमिनल होता है उसके भी तो गोल बने होते हैं, उसको भी पता होता है मैंने आज क्या करना, कल क्या करना, परसों क्या करना है। मैंने यही बात की है कि आपने एक तो ये चीज देख ली कि उसके मतलब कि वो इस हवाले से तो वो नॉर्मल है ना, कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब आगे आप देखेंगे कि वो चीजों को अंडरस्टैंड किस तरह से कर रहा है, वो क्रिमिनल वे में कर रहा है ना, तो इट मींस कि आप फिर उसका एक दूसरा पैमाना लगाएंगे कि वो कहीं वो मतलब कि क्रिमिनल जो साइड पर तो नहीं चला गया, उसकी वो पर्सनैलिटी तो नहीं डेवलप, एंटी सोशल पर्सनैलिटी तो नहीं है वो एक आप अलग पैमाना लगाएंगे, फिर उस एंगल में जाके आप उसको देखते हो, ठीक है। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैंने बोल दे कि एक बंदा गोल बना रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। गोल तो आपको पता है कि एंटी सोशल लोग भी बनाते हैं, तो आपको एक ही टाइम पे, एक और चीज जहन में आ गई, एक ही टाइम पे आपको बहुत सी थेरीज अप्लाई करनी पड़ती हैं, बहुत से टेस्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत से एंगल्स को आपको देखना पड़ता है, एक ही टाइम पे आपको बहुत से एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। बाज दफा ऐसा होता है कि आपने एक एस्पेक्ट को पैमाना बना के, एक चीज को पैमाना बना के आपने देखा, उसको टेस्ट बना के लगाया कि हाँ जी अगर मैं इसको लगा के देखता हूँ या देखती हूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग हुआ तो इट मीन्स वो नॉर्मल है, लेकिन आपने देखा तो वो सही था, आपका पैमाना सही लगा, लेकिन वो बंदा नॉर्मल नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, इट मीन्स कि आपका वो टेस्ट फेल हो गया, वो पैमाना फेल हो गया, फिर आप दूसरे की तरफ जाते हो, फिर आप तीसरा लगाते हो, फिर आप चौथा लगाते हो, ठीक है। इस तरह से फिर आप निकाल के चीजों को बाहर लेके आते हो और अपने पेशेंट को समझते हो, फिर उसको उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो। पेशेंट को डील करना, समझना आसान नहीं होता, ये बहुत ही औखा काम है, बहुत ही नॉलेज चाहिए होता है इसके लिए, बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, सबसे बड़ी बात आपको कॉमन सेंस चाहिए होती है, अपनी लॉजिक चाहिए होती है कि किन चीजों को कैसे मैंने देखना है, किस चीज को कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है,
है, तो इसके लिए आपके पास एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, ब्रॉड आप कह सकते हैं एंगल होने चाहिए आपके पास, चीजों को देखने के कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास चीजों को देखने के या समझने के। अच्छा, अब नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू किसकर ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस विद आर स्ट्रेंज अनयूजुअल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल। अगर कोई शख्स आप कह सकते हैं कि नॉर्म जो हमारे सोसाइटी के पैमाने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनसे हटके कोई काम कर रहा है या स्ट्रेंज वे में काम कर रहा है, आपने उसमें वो बिहेवियर या किसी में पहले कभी नहीं देखा, तो इट मींस के वो एबनॉर्मल हो सकता है। आपको उसको देखना पड़ेगा कि यार ये बंदा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये है ना रूल बना हुआ कि सॉरी कि अगर कोई हंसने वाला या हंसी मजाक हो रहा है तो उसी वक्त हंसना है, यानी कि हंसी मजाक हो रहा है तो इट मींस के वो कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है कि यहाँ पर यार लोग कह के लगाएंगे, हंसेंगे, ठीक है, ऊंची ऊंची हंसेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एक आपने चीज ऑब्जर्व किया है कि एक अकेला बंदा बैठा है, एक लड़का या लड़की अकेली बैठी है और हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। अब आपको वहां पर खटक जाएगी फौरन कि यार ये जो है ना ये नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है, ये ऐसा नहीं होता, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर ये कोई बंदा हंस रहा है तो इसका मतलब है उसके आसपास लोग बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो हंस रहा है, वो नॉर्मल है, हम एबनॉर्मलिटी की तरफ जाते नहीं है। लेकिन जब एक बंदा अकेला बैठा हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, या एक अकेला बंदा बैठा बातें करी जा रहा है, तो वहां पर आप खटक जाते हैं कि यार या ये चीज मतलब नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम उसको नॉर्मल कह नहीं सकते, वो एबनॉर्मेलिटी होगी। अगर वो खुद से भी बातें करी जा रहा है, वो अकेला बैठा हंसी जा रहा है, या वो अकेला बैठा कहीं देखी जा रहा है खास एंगल के साथ किसी को देखी जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि जैसे उसके पास हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स के अंदर होता है ना कि वो उसको आवाजें सुनाई देती हैं, हेलुसिनेशन के अंदर उसको चीजें दिखाई देती हैं, तो उस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो हम समझ लेंगे कि यार कोई गड़बड़ है। अच्छा, एन एबनॉर्मल पर्सन इज क्वाइट ऑफन द विक्टिम ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी और मेंटल डिजीज। उसको कोई ना कोई मेंटल डेफिशिएंसी या मेंटल डिजीज हो सकती है। इन सम एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स द इंटेलेक्चुअल लेवल इज फेयरली हाई बट देयर बैलेंस इज क्वाइट डिस्टर्ब। अच्छा, अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं ना उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअली वो ठीक होते हैं, मेंटली तौर पर वो चीजों को अंडरस्टैंड सही कर लेते हैं, बट देयर बैलेंस इज क्वाइट डिस्टर्ब। लेकिन वो नॉर्मल वे में नहीं कर रहे होते वो चीजें, यानी कि उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, वो नॉर्मल वे में नहीं उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होते, नॉर्मल वे में उसको बयान नहीं कर पा रहे होते, नॉर्मल वे में उसका मीनिंग नहीं ले रहे होते। इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी इज मोर और लेस अ कॉमन ट्रेट इन मोस्ट एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स। मतलब कि इमोशनली या इंस्टेबिलिटी उनकी होगी। एबनॉर्मल इंडिविजुअल एज अ क्लास आर कंप्राइज ऑफ मेंटली डिजीज्ड, जेवेनाइल डेलिक्वेंसीज, उसके बाद अनसोशल एंड एंटी सोशल, ये चार चीजें होंगी जो एबनॉर्मल लोग होंगे। ठीक है, मेंटल डिजीज होगी उनको कोई ना कोई, ठीक है, जेवेनाइल डेलिक्वेंसी होगी उनमें, अनसोशल होंगे, एंटी सोशल होंगे, क्रिमिनल एंड जेवेनाइल डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंट्स इसको देख लेते हैं। क्रिमिनल का आपको पता है कि जो बंदा एंटी सोशल होगा या गलत काम करेगा वो क्रिमिनल है। जेवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक तो इसका ये मतलब होता है कि नाबालिग जो लोग होते हैं ना, नाबालिग मुजरिम जिनको बोला जाता है उनको बोलते हैं जेवेनाइल डेलुकेंट्स। लेकिन इसकी एक और मीनिंग होता है, वो जो होता है कि आदि किसी चीज का आदि हो जाना, या आदतन किसी चीज को करना, या किसी चीज को कोई गलत काम करने की जिनको आदत हो मामूल के मुताबिक वो कर रहे हो, यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को चोरी करने की आदत है वो रेगुलरली चोरी कर रहा है, वो कहते हैं कि वो डेलुकेंट होगा। ठीक है, उसको उसकी आदत बनी हुई है या उसने रेगुलरली करना ही करना है। द क्रिमिनल आर द जनरल डेलिक्वेंट इज इन सम मेजर एबनॉर्मल, हिज माइंड एंड इन्फर्मो ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच समटाइम्स टेक डिस्ट्रक्टिव एंड इवल फॉर्म्स। ये चूंकि हम बेसिकली जो क्रिमिनल या डेलिक्वेंट्स होते हैं ये मुजरिम होते हैं, ये कानून को तोड़ते हैं, यानी कि ये जराइम करते हैं, तो इनके माइंड के अंदर भी वही चीजें चल रही होती हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कानून से हट के सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है और सोसाइटी के अंदर किसी बंदे को या कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है या कम्युनिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है। ठीक है, उनमें अगर वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश या सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश है, तो इसका मतलब वो क्रिमिनल या जुवेनाइल डेलिक्वेंट होगा। ही डज नॉट हेजिटेट टू इन्फ्लिक्ट मच डैमेज एंड पेन ऑन अदर। वो कहते हैं कि उसको कोई मसला नहीं होता दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, उसमें कोई उसको टेंशन नहीं हो रही होती, वो नुकसान पहुंचा रहा होता है।
हिज ड्राइव्स आर वेरी पावरफुल इंटेंस बट वेरी मोमेंटरी। वो कहते हैं उसकी जो ड्राइव्स होती हैं, कोई भी काम करने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो मोमेंटरी होती है, यानी कि उसमें वो होती थोड़े अरसे के लिए लेकिन वो बड़ी पावरफुल होती है, उससे वो काम करा देती हैं। ठीक है, अगर किसी ने चोरी करनी है या डाका डालना है तो वो डाका डाल देगा, उसके बाद शायद वो पहचानना चाहे वो पछताना शुरू कर दे, वो एक अलग चीज है। जुवेनाइल डेलिकेंट इंडल्जेस इन सॉरी मेनी एक्टिविटीज दैट डू नॉट बेनिफिट हिम इन द लेस्ट व्हाइल दे डू कंसिडरेबल डैमेज टू अदर्स। वो उन एक्टिविटीज में हो सकता है जो उसको तो नुकसान पहुंचा रही हो, यानी कि उसके लिए इतनी बेनिफिट नहीं होती, दूसरों के लिए वो क्या होती है, नुकसानदेह होती हैं, उसको शायद बेनिफिट ना पहुंचाए इतनी ज्यादा, लेकिन वो दूसरों के लिए का नुकसानदेह हो सकती हैं। उसके बाद मेंटली डिजीज, मेंटली अगर किसी को नफसियाती बीमारी है या मेंटली तौर पर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है, वो एबनॉर्मल ही कहलाएगा, उसको हम एबनॉर्मल ही बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद अनसोशल या एंटी सोशल, ऐसा बंदा जो सोशल नहीं है उसको अनसोशल बोलेंगे, और ऐसा बंदा जो सोसाइटी को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, सोसाइटी के एंटी होके चल रहा है, उसको एंटी सोशल बोलेंगे। ऐसा बंदा जो अनसोशल हो, यानी कि सोसाइटी में अपना रोल प्ले ना कर पा रहा हो नॉर्मल तरीके से, सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेट ना करता हो नॉर्मल तरीके से, उसके साथ साथ एंटी सोशल वो बंदा जो सोसाइटी के अगेंस्ट चलता हो, सोसाइटी के एंटी हो, उसको एंटी सोशल बोलेंगे। अगर वो ऐसा है तो वो भी एबनॉर्मल ही होता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल लोगों की कुछ निशानियां थी। हमने दो चीजें देखी है, नॉर्मल की और एबनॉर्मल की निशानियां या करेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।